11 सितंबर तक अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से ना निकले तो भरपूर कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं तालिबान। गैर मुल्की फौजी किसी भी मकसद के लिए अफगानिस्तान में मौजूद हों, इसे मुल्क में कब्जा समझा जाएगा। तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन का इंटरव्यू। तालिबान ने कहा है कि अगर अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से वापस ना गए तो रद्द अमल देने का हक महफूज रखते हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा से बात करते हुए तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा कि अगर 11 सितंबर 2021 तक अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से वापस नहीं जाते तो ये दोहा में होने वाले अमन माहदे की खिलाफ वर्जी होगी, जिस पर तालिबान जंगजू सख्त रद्द अमल देने का हक रखते हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी सफारती अमले की हिफाजत के लिए 650 फौजी एहलकार मौजूद हैं, जबकि बाकी मानदा फौजी एहलकार रवा बरस 11 सितंबर तक वापस लौट गए। अमरीकी अहदेदार के इस बयान से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा कि अमन माहदे में तय पाया था कि अमरीका अफगानिस्तान से अपने तमाम फौजी दस्तों, मुशीरों और कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस बुला लेगा। सुहेल शाहीन ने मजीद कहा कि अब अगर 650 फौजी एहलकार किसी भी बहाने से वापस ना गए या एक भी गैर मुल्की फौजी अफगानिस्तान में रह गया तो ये माहदे की सरासर खिलाफ वर्जी है, जिस पर तालिबान भी कार्रवाई करने में आज़ाद होंगे। तर्जमान तालिबान ने मजीद कहा कि गैर मुल्की फौजी किसी भी मकसद के लिए अफगानिस्तान में मौजूद हों, इसे मुल्क में कब्जा समझा जाएगा। अमरीका को माहदे की पासदारी करना चाहिए, बसूरत दीगर जिम्मेदारी भी इस पर आयद होगी।